हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हम हल्द्वानी में, और अभी एक्चुअली हमारी ना बस है 1:30 बजे की, लेकिन मेरे को सामने ये बाईपास रोड उस तरफ ही है ना, बाईपास रोड उसी तरफ है ना, वो होंडा वाले शोरूम जहाँ दिल्ली की बस मिलती है इस तरफ ही है ना। ठीक है। हाँ, तो हमारे पास बेसिकली हमें इधर जाना है, लेकिन मैं आप नहीं बाईपास वहाँ होंडा वाले उधर ही है ना। ठीक है। यानी कि बाईपास वाली जो मेन सड़क है वो उधर ही जाती है ना। ठीक है। कंफर्म कर रही थी। हाँ, तो बेसिकली मैं आपको जल्दी से सब्जी मंडी घुमा रही हूँ, क्योंकि हमें बस भी पकड़नी है। बट आई सॉ दिस एंड आई फाउंड दिस रियली इंटरेस्टिंग, सो हियर वी आर। दिस इज हल्द्वानी उत्तराखंड सब्जी मंडी। एक सेकेंड रुकना यार। सॉरी, तो बेसिकली हम थोड़े से जल्दी में भी हैं, तो मैं आपको सिर्फ इतनी सी सब्जी मंडी दिखाऊंगी। बट दिस इज़ यस, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अपने आप को टाइम व्यर्थ ना करके अपने आप को दिखा के हम छोटी छोटी इंटरेक्शन देख लेते हैं। तो ये थी सब्जी मंडी, बट दिस इज नॉट वेयर द वीडियो एंड्स। वील वॉक अ लिटिल बिट मोर। ऐसा क्या लग रहा है कि मैं उल्टी डायरेक्शन, फैक्ट मुझे नहीं लग रहा है, ये मैप कह रहा है कि मैं उल्टी डायरेक्शन में जा रही हूँ। मेरे ख्याल से तो मैं सही आ रही हूँ यार। भैया, ये जो बाईपास रोड है जहाँ दिल्ली की वॉल्वो मिलती है, वो इसी तरफ ही है ना? हाँ, अभी ई रिक्शा मिल जाएगा ना थोड़ा आगे से। ठीक है।
तो अभी बेसिकली हम मेरे पास थोड़ा एक सवा घंटा फालतू का, तो हमने खाना खाया मैसूर मसाला डोसा और फिर पिक्चर देखी एक घंटा हॉल में बैठ के। मज़ा आया, ये चीज़ मुझे काफ़ी पसंद है कि हम मतलब जहाँ जाएँ वहाँ का हॉल चेकआउट करें। सिनेमा घरों से मुझे काफ़ी प्यार है। और यार मैं इतनी बड़ी वियर्डो हूँ ना, मतलब मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो बेसिकली वी रीच्ड अपना हल्द्वानी बाय 10:30 या समथिंग, एंड हमारी जो बस है वो है 1:30 बजे की, ठीक है। और उन्होंने पॉइंट लिखा हुआ था होंडा शोरूम, ठीक है। तो होंडा शोरूम लिखा तो मुझे लगा आजू बाजू में उनकी दुकान होगी, मैं वहाँ पर अपना बड़ा बैग पैक रख लूँगी। लेकिन मैं वहाँ पर जाती हूँ और वहाँ पर मुझे पता चलता है कि उनकी कोई दुकान ही नहीं। तो मैं गई और होंडा शोरूम वालों को मैंने कहा कि प्लीज़ अगर पॉसिबल है तो आप प्लीज़ मेरा बैग रख लोगे, मेरे को थोड़ा खाने पीने जाना है। तो उन्होंने अपना मेरा बैग अपने होंडा के शोरूम में, वहाँ पे मैं भी बैठी हूँ थोड़ी देर, मैं भी बैठी हूँ स्कूटियों के बीच और शोरूम में, फिर मैं निकल गई। तो होपफुली यार मेरे बैग में मेरा लैपटॉप भी है। बट यार ऐसी चीज़ों में ना ट्रस्ट करना पड़ता है, वरना तुम्हारी चीज़ें रह जाएंगी, वरना कुड़ कुड़ के रह जाओगे। तो मैं ट्रस्ट कर नहीं। तो अब बड़ा सा शोरूम है, वो कहते हैं कैमरा शैमरा भी लगे हैं। नहीं नहीं अब उम्मीद करते हैं कि होगा, मेरा भैया देख लेगा ये वीडियो तो गुस्सा होगा। नीचे बाईपास उतर रहे हो, होंडा शोरूम में उतरना है। कोई नहीं, मैं आगे बैठ जाऊंगी, आगे जगह नहीं है। आई भैया नहीं आ रही मैं इसमें, बैठ जाएगी 2 मिनट की बात है। हाँ ठीक है। There are a lot of people in this rickshaw. ये होंडा का शोरूम बदल लेंगे यहीं पे।